हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज लाइक इट क्या आपको पता है कि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और क्या आपको पता है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या चीज है क्या आपको पता है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है और क्या थी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप तो आइए जानेंगे ये कंप्लीट टॉपिक इंडिया हैज सिग्नल इट्स रेडीनेस टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर पोस्पेरिटी जो कि एक यूएस लेड इनिशिएटिव है इन द इंडो रीजन। आइए अब देखते हैं आई के मेंबर्स कौन कौन होंगे आई के मेंबर्स होंगे सेवन आउट ऑफ टेन कंट्रीज ऑफ द आशियान प्लस ऑल फोर मेंबर्स ऑफ द क्वाड ग्रुप प्लस न्यूजीलैंड और ये सभी कंट्रीज मिला के फोर्टी परसेंट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी डी रिप्रेजेंट करते हैं तीन आशियान मेंबर कंट्रीज जो कि हैं म्यांमार कंबोडिया और लाओस उसको इस ग्रुपिंग में इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि ये तीनों कंट्रीज चाइना के क्लोज माने जाते हैं आइए अब देखते हैं आई के फोर मेन पिलर्स कौन कौन से होंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के फोर मेन पिलर्स हैं फर्स्ट ट्रेड सेकेंड सप्लाई चेन थर्ड क्लीन एनर्जी एंड डी एंड फोर्थ टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन मेजर्स आइए अब जानने की कोशिश करते हैं फीचर्स ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यूएस ने क्लियर किया है कि आई कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा और ना ही कंट्रीज इसमें डिस्कस कर पाएंगी इश्यूज़ लाइक रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस आई इंक्लूड नहीं करेगा मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स जैसे कि लोअरिंग टैरिफ बैरियर्स मेंबर कंट्रीज़ को इसके सभी कंपोनेंट्स को साइन करना होगा बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सभी मॉड्यूल्स में फेयर एंड ट्रेजिलियन ट्रेड मॉड्यूल को लीड करेगा यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिवस और इसमें इंक्लूड होगा डिजिटल लेबर एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ विद सम बाइंडिंग कमिटमेंट्स आई हेल्प करेगा इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ और लेके आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ फेयरनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन आई विल नॉट रिप्लेस द इलेवन नेशन सी जिसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप भी कहा जाता है जिसको यू ने टू में लीव कर दिया था या फिर आर जिसमें चाइना और बाकी सारी आई कंट्रीज भी मेंबर्स हैं आइए अब देखते हैं आई क्रिएट करने के रीजंस क्या हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के टाइम पे यूएस ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से पुल आउट कर लिया था इसके बाद यूएस अगेन ट्राई कर रहा है अपनी क्रेडिबिलिटी गेन करना इन द रीजन और इसी कारण से आई को उसने डेवलप किया है आई के जरिए यूएस इकोनॉमिक एंड ट्रेड स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके चाइना के रीजन में इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है चाइना एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का और मेंबरशिप चाहता है इन द सक्सेसर अग्रीमेंट कॉम्प्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप चाइना 14 मेंबर ग्रुप रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का भी मेंबर है जिसका मेंबर यूएस नहीं है यूएस आईपीईएफ को एक नया व्हीकल मानता है फॉर री एंगेजमेंट ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया आइए अब ब्रीफ़ में देख लेते हैं रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है आर सी ई पी केम इन टू इफेक्ट ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम आर सी ई पी एक ट्रेड डील है बिटवीन द टेन मेम्बर्स ऑफ द आशियान प्लस चाइना प्लस जापैन प्लस साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर सी ई पी कवर करता है अराउंड थर्टी परसेंट ऑफ द ग्लोबल जी डी पी एंड अराउंड वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर में 90% परसेंट ऑफ़ द ट्रेड टैरिफ्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और एक कॉमन रूल सेटअप करेगा फॉर ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ई कॉमर्स एंड कॉम्पिटिशन यहाँ पे ये बात ध्यान रख लें कि इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ आर क्योंकि इंडिया के कंसर्स थे रिगार्डिंग ओपनिंग अप इट्स इकॉनमी फॉर चाइनीज गुड्स क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी चाइना के साथ ट्रेड इम्बेलेंस काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा रीज़न है कि जहाँ तक सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो ये अग्रीमेंट सर्विसेज सेक्टर को एडिक्वेटली ओपन नहीं करता है आइए ब्रीफ में देखते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है टीपीपी एक ट्वेल्व पैसिफिक रिम कंट्रीज़ की अग्रीमेंट था जो कि साइन किया गया था फोर्थ फरवरी टू में इन न्यूजीलैंड हाउएवर टी पी पी नेवर एंटर्ड इन टू फोर्स इंडिया टी पी पी का पार्ट नहीं है यूएस ने इसको रेटिफाई नहीं किया था और अब विड्रॉ भी कर लिया है 2017 में टीपीपी के 12 सिग्नेट्रीज थे यूएसए कनाडा मैक्सिको चिली पेरू जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मलेशिया ब्रुनेई सिंगापुर एंड वियतनाम तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो कि अब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री क्वेश्चन बैंक फ्री पीडीएफ एंड फ्री नोट्स देते हैं थैंक यू